की बात बोल रहे हैं, बिजली का इतना बड़ा समस्या है, कोई बिजली वाला नहीं आया तो कौन सुनेगा उसका समस्या? कहे ले बैठक तो रखे हैं, बैठक खत्म कीजिए। अगर आप कहावत है जो आपका, अगर नहीं हमारा, हमारे पंचायत में अगर पकड़ नहीं है, आपका प्रखंड में पकड़ नहीं है, तो राजनीति तो करने से क्या फायदा? अरे अभी सबसे रात तो भर गया, सब बिजली नहीं है, इतना गर्मी में सब मर रहा है, बिजली वाला का कोई ठीक है नहीं। सब पढ़ लिखिए, बिजली वाला के एकदम पकड़ के रख कीजिए, बिना मतलब का जो लिया है उसको छोड़ के सब पर लिख के सब अपना जवाब देगा कि हम एग्जाम ड्यूटी में थे, हम फलाई ड्यूटी में थे, हम चिलाना ड्यूटी में। ऐसे वो कंप्लेन किए थे जो बहुत धीमी गति चल रही है, काम बंद है। अब बताइए जो 16 पंचायत उधर है, तो खैर और भी हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी आबादी वाली गाँव, लोग आयु रहते हुए हमारे यहाँ मर जा रहे हैं। हॉस्पिटल की आपकी व्यवस्था जीर्ण शीर्ण की अवस्था में चलती है, सरकार पेपर पे हो या जहां भी हो घोषणाएं करती है। हम लोग चाह रहे हैं जो वहां पे आप जो भी अभी व्यवस्था है वहां लागू कीजिए, क्योंकि आपका तो कोई वहां पे चल नहीं रहा है, ना दवा की व्यवस्था है आपका। सर देखिए, है हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम वहां के मुखिया हैं, आपकी क्या व्यवस्था है हमसे बेहतर आप नहीं जानते हैं। आपकी क्या पेपर भी व्यवस्था है वहां पे भी हमको नहीं जानी है, दो मिनट, आपकी क्या व्यवस्था, हम देखेंगे। कहावत है पढ़े लिखे को ठीक ना, आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो यहीं पर अगर सारे आदमी के सामने दिखा दीजिएगा कि मेरी व्यवस्था है तो आप जो कहिए। आप पैरासीटामोल 5 गो क्या बोलते हैं उस सब है, उस दवा उसे नहीं मतलब है। अगर हमने करने वाला अगर वहां पे सर्वप्रदान सभी हो जाएगा, आपकी दवा है वहां पे, वैक्सीन है वहां पे। इस मौसम में सबसे ज्यादा क्या होता है, सर्वप्रदान। जजुआर ऐसा गांव है जो चारों तरफ से घिरी हुई गांव है, आपकी वहां पर कोई दवा की व्यवस्था नहीं है। अगर सर्वदान सभी हो जाएगा, हम सारे लोगों के बीच आपसे पूछ रहे हैं, तो आप कैसे उसको इलाज कीजिएगा? सर्वदान का इलाज जो होता है ना, जब तक कोई भी व्यक्ति को काटने के बाद लक्षण नहीं आ जाए, स्टार्ट नहीं होता। सर हम आपकी एक बात बता रहे हैं, आपसे पहले 2 मिनट वीडियो सर, आपसे पहले जो चिकित्सा पदाधिकारी थे वहां पे 2 वैक्सीन रखवा देते थे बारिश आते ही। जब पहली बार हम मुखिया बने थे तो हॉस्पिटल में रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने दूसरे के यहाँ फ्रिज में रखवा दिया था। आपने अभी तक वो सर्पदंश की भी व्यवस्था नहीं करवाया। सर्पदंश हम इंतजार करेंगे जो हम मर जाएंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है, ये तो निराशा निराशावादी आप जो सब बोल रहे हैं। आपकी बात को आप मान लीजिए, यहाँ के स्वास्थ्य के चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वहां का जो काम हो रहा है बहुत ही स्थिति से हो रही है। हम सब कुछ देख रहे हैं, हम वहां के मुखिया है, हमारा ईटा ले रहा है ठेकेदार, ऐसा नहीं है, हम सब कुछ जान रहे हैं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, स्थिर स्थिति से चल रहा है। आप लिख के दीजिए, ऐसा थोड़े आज हम मतलब की घास चरने वाला आदमी में बात करते हैं। आप सर अगर आपकी बात नहीं सुनता है, आप हमको आज लिख के दीजिए, अगर हम एक सप्ताह में नहीं कार्रवाई करवा दिए तो हम यहाँ पर टपना छोड़ देंगे। आप यहाँ पर दीजिए कि पंचायत समिति में बैठक मुद्दा उठाया गया, हम मतलब कि उस मुंह से बोलते हैं या पत्रचार से भी बोलते हैं, हमारी बात को अवहेलना करता है। देखिए एक सप्ताह में अगर हम उसको घोड़ा की तरह रेस नहीं बना दिए चेतक की तरह, तो हमारा हम इस पंचायत समिति की बैठक में बोलते हैं सभी सदस्य के बीच में, हम अगले सब बैठक में नहीं टपेंगे। आप सवाल का जवाब देने में सक्षम है, दिखाइए। अरे कृपया ले जाइए, बाबू आप ले जाइए, जजवार मत का सारा ले जाइए, डॉक्यूमेंट हमारा नौ सेंटर चलता है, 9 का लेके आइए डॉक्यूमेंट, जो बंटवारा होता है ना उससे होता है उसका लेके आइए। अरे बंटवारा जो नियम है, बड़ा बाबू बंटवारा होता है टीएचआर या कुछ भी, उसमें उसका अध्यक्ष होता है वार्ड सदस्य, अरे भाई आप पढ़े जानकारी नहीं है तो क्या क्या जानकारी बोलिए, ठीक है आपका नहीं है ना, आप लिख के दीजिए जो टीएचआर बंटवारा में वार्ड सदस्य का सिग्नेचर का जरूरी नहीं है उसके हाथ में, आप लिखिए अभी हमको दीजिए। नहीं नहीं सर ये अभी बोल रहे हैं, सुनिए
आप यहाँ पर हमको लिख के दीजिए लिखित में, जो पंचायत में जो टीएचआर की बंटवारा होती है उसमें वार्ड सदस्य का पासपोर्ट में साइन का कोई महत्व नहीं है, आप लिख के हमको दीजिए अभी, आप लिख के दीजिए। नहीं, हम लोग अगर गलत है तो आप लिख के दीजिए हमको, बिना जानकारी का। आप उम्र दराज आदमी है, बिना जानकारी का कुछ भी मत बोलिए। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटेड आदमी नहीं है, पंचायती राज का अधिनियम पढ़ते हैं। जो ठीक है वो ठीक है। एक चीज बताइए, जो आपको अनाज कब तक देना है, कब तक अनाज देना है, मतलब कि मंथ मंथ के मंथ में कब तक डीलर को देना है? आज आखिरी डेट है, यानी कि आज हो गया 19, 20, सॉरी 20। जैसे हम एक चीज बताते हैं, इस बार तो आप दिए हैं, हर एक बार की बात बोल रहे हैं, इस बार की बात नहीं बोल रहे हैं। पिछले बार भी 27 तारीख 26 तारीख को आप जजवार मधु को क्यों देते हैं? अरे भाई, तो रोस्टर के आप 27 तारीख को आप देवे कीजिएगा, तो 3 दिन में डीलर बाकी थोड़े है, मतलब जो मंत्र पड़ेगा सबके बांट देगा। सर देखिए, समस्या का हल करना चाहिएगा, सब कुछ है, आप समस्या अपना पल्ला झाड़ने चाहिएगा, तो बहुत सारी। चलिए, हम लोग हमारा मदद आपको चाहिए, क्या चाहिए मदद बोलिए? ट्रक पर रख दे बोरा लेके। मुखिया जी, आप जो है देखिए, हर समस्या का हर हल नहीं है। अरे सर, तो हमको बताएंगे ना आपसे क्या मदद चाहिए, तो बोल नहीं रहे हैं। हम भेज दे, कौन सी भेज दे, ट्रैक्टर भेज दे लोड करने के लिए, कि जेसीबी भेज दे, हमको भाड़ा देंगे, हम भेज देंगे। ये आए हैं और इनका फर्स्ट क्वार्टर कोचिंग भी है, और 1.5 महीना इनको आए हुआ है। अरे भाई, तो सहयोग हम लोग देने से पीछे हट रहे हैं, अब कमाल बात करते हैं प्रमुख जी। मेरा सुनिए नहीं, आप लगे बोलने लगते हैं, आप बोलने लगते हैं। चलिए, बाकी बातें बोलिए ना, बोलिए। बुलाए थे बहुत सारे लोग।